कि आपको पता है कि 12th खत्म करने के बाद ही आप हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इनमें से कुछ गवर्नमेंट जॉब्स तो 1.5 लाख पर मंथ से भी ज्यादा सैलरी ऑफर कर रहा है। तो फिर जो जॉब सबसे ज्यादा सैलरी ऑफर कर रहा है उसे हम आखिर में देखेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। पहला है SSC स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के एग्जाम को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स का सैलरी होता है 65,000। इसके लिए एज लिमिट है 18 to 30 इयर्स। बस इसमें रिटन एग्जाम के साथ भी स्टेनोग्राफी का एक टेस्ट होता है जिसमें 80 वर्ड्स पर मिनट टाइप करके दिखाना होता है। नेक्स्ट है SSC CHSL के पोस्ट। इसे जॉब को लगने के बाद कैंडिडेट्स का सैलरी 21,000 से 25,000 के बीच में होता है। इस एग्जाम में टोटल 3 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकलते हैं। इसमें LDC यानी लोअर डिविजन क्लर्क, DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर और पोस्टल असिस्टेंट क्लर्क के लिए वैकेंसी निकलता है। इस जॉब के लिए एज लिमिट है 18 to 27 इयर्स। अगला है RRB ALP का एग्जाम, यानी रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी। इस जॉब को लगने के बाद कैंडिडेट्स का सैलरी 35,000 तक होता है। इस जॉब में मेनली ट्रेन चलाने का काम रहता है और इसके लिए एज लिमिट है 18 to 28 इयर्स। नेक्स्ट है इंडियन कोस्टल गार्ड। इस जॉब को मिलने के बाद कैंडिडेट्स का सैलरी 36,000 तक होता है, लेकिन इसमें एज लिमिट काफी कम है, बस 18 से 22 साल तक। इंडियन कोस्ट गार्ड मेनली समुद्री तट पे जहाजों के ऊपर निगरानी रखते हैं। ध्यान रखना, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों अलग अलग पोस्ट रहते हैं। अगर इंडियन नेवी के बारे में और डिटेल में जानना है तो फिर आई बटन का वीडियो चेक कर सकते हैं। अगला है इंडियन मिलिट्री फोर्स का वैकेंसी, जिसमें मेनली BSF, CRPF, CISF जैसे पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलता है। ये सब बनने के बाद स्टार्टिंग में कैंडिडेट्स का मिनिमम सैलरी 21,700 तक होता है और ये बढ़ते बढ़ते 69,000 तक जाता है। इसमें एज लिमिट है 18 to 25 ईयर्स और कैंडिडेट्स का हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। RECTT.BSF.GOV.IN इस वेबसाइट में जाके हम वैकेंसी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियन फॉरेस्ट गार्ड का जॉब। इसके लिए एज लिमिट है 18 to 28 ईयर्स और इसमें स्टार्टिंग सैलरी लगभग 22,000 तक होता है। आखिर में है NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का जॉब। ये जॉब इंडियन गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा पे करने वाले जॉब्स में एक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, इस नाम से ही पता चल रहा है, NDA के एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको 4 साल के लिए मिलिट्री एकेडमी में डाला जाएगा। क्योंकि आप 12th के बाद ही NDA को ज्वाइन करते हैं तो फिर वहाँ पे आपको गवर्नमेंट के तरफ से ग्रेजुएशन करवाया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आपके ऊपर जो भी खर्च होगा वो सभी खर्च गवर्नमेंट ही उठाता है। NDA में अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो फिर आप BSc या फिर BTech इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको BTech यानी इंजीनियरिंग करना कंपलसरी है। 4 साल का ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद आप जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उस दौरान आपका सैलरी मिनिमम होता है 65,000। एज और एक्सपीरियंस के साथ ये सैलरी बढ़ते बढ़ते 2,50,000 तक जाता है। इसके अलावा 10th खत्म होने के बाद किन बेस्ट जॉब्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो है, आप जाके उन जॉब्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड आज के इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए बाय।